एक राजा और चंदन के व्यापारी बड़े निकट के मित्र थे। आपसी स्नेहिल संबंध था, सौहार्द था। एक दिन की बात है, अचानक चंदन के व्यापारी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। अगर राजा के निकट भविष्य में मृत्यु हो जाती है तो सोचो कितने प्रचुर मात्रा में चंदन का ऑर्डर मुझे मिलेगा। चंदन के टुकड़ों का ऑर्डर जब मिलेगा तब मैं कितना धनवान हो जाऊंगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ, अगर चंदन के व्यापारी की अभी मृत्यु हो जाए, उनका परिवार नहीं, बच्चे नहीं, उसका सारा धन राजकोष में आ जाएगा और मुझे उसके धन का लाभ मिलेगा। लेकिन दोनों इतने अच्छे मित्र थे कि दोनों आपस में विचार करने लगे, इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हुए भी हमारे मन में ऐसे कुत्सित विचार क्यों उत्पन्न हुए। तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जब एक नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होता है वो दूसरे के मन में भी ऐसे ही विचार उत्पन्न कराता है और दोनों नकारात्मक विचार एक दूसरे का विध्वंस करते हैं और दोनों नकारात्मक विचार एक दूसरे की वृद्धि करते हुए और विचारों में स्खलन होता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारण मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेत। भागवत वर्णन करता है, जब आपके जीवन में कष्ट आए तो आप ढूंढते हो कि हमारे कष्ट का मूल कारण कौन है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं, देवता नहीं, शरीर नहीं, कर्म नहीं, काल नहीं, मन परम कारण मामनंति, वो हमारा अनियंत्रित मन जिसमें हर प्रकार के विपरीत विचार उत्पन्न हो वो हमारे मूल कष्ट का कारण है। इसलिए ऐसे चिंता युक्त मन को शांत करने, निर्मल करने भगवत नाम का चिंतन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।